अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरा पहला ऑफिशियल मेकअप ट्यूटोरियल है जो मैं अपने चैनल पर करी। उससे पहले मैंने चीज़ें ट्राई की हुई हैं बट मेकअप ट्यूटोरियल नहीं किया हुआ, जिसमें मैं पूरा आप लोगों से बात भी करती हूँ, साथ साथ वॉइस ओवर वाला किया हुआ बट ऐसे बात करने वाला नहीं किया। तो अगर आप लोगों को इस तरह का ट्यूटोरियल देखना है कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट की है, आज की वीडियो में मैंने काफ़ी नए प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। दिल से के ब्रश कितना अच्छा है। सो अगर आप लोग इस लुक में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप लोग जानना चाहते हैं ये नए प्रोडक्ट्स कैसे हैं, सो कीप ऑन वॉचिंग। ओके गाइस, सबसे पहले मैं अपना फेस मॉइस्चराइज करूँगी। मैं फिलोसफी का मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी, ये मैंने आज ही ख़रीदा है। सो आई एम गोइंग ट्राई इट आउट फॉर द फर्स्ट टाइम। उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप होगा बट क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मुझे फेस सीरम भी लगाना अच्छा लगता है। अपने मॉइस्चराइजर के बाद मैं फिजिशियंस फार्मूला का सीरम लगाऊंगी। इसका एप्लीकेटर जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट निकालता है बट दिस इज़ अ रियली गुड वन। 2-3 मिनट दिया करें ताकि आपका ये जितना भी मॉइस्चराइजर सीरम आई टी पफर लगाया हो थोड़ा स्किन के अंदर सिंक इन हो जाए। मिलानी का फाउंडेशन लूँगी, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत बहुत अच्छा फाउंडेशन है, हाई एंड फाउंडेशन को भी बीट करता है। शेड 50A नेचुरल बेज है। कंसीलर लूंगी मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर एंड मेरा शेड सैंड है। ये एक हाइलाइटिंग शेड नहीं है मेरे लिए, ये बेसिकली मेरे स्किन टोन जैसा ही शेड है। आपको लग रहा होगा मैंने काफ़ी ज़्यादा लगा दिया बट ये कंसीलर इतना लाइट वेट है कि इतना ज़्यादा लगा के भी इसका इतना ज़्यादा कोई फर्क पता नहीं चलता। सो कंसीलर डन हो गया है, इसके बाद मैं बेक करूँगी। मैं इनका लूँगी कोटी एयर स्पन लूज फेस पाउडर, ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को इसको इस्तेमाल करते हुए देखा है, ये नई चीज़ है मेरे लिए। सो इसको हम इस्तेमाल करेंगे इस पफ के साथ। उफ अल्लाह, बहुत ज़्यादा स्मेल है इसकी, बिल्कुल पाउडर की तरह की स्मेल है इसकी, जैसे बेबी पाउडर होता है। खैर हम इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने यही निकाला हुआ है। सो इसको थोड़ा सा मैं लूँगी और बेक करेंगे। अपना पाउडर प्रेस इन किया करें। सो बेकिंग का ये मकसद होता है कि आप थोड़ा सा पाउडर लगाए रखें ताकि वो थोड़ा सा ड्राई कर दे आपकी अंडर आइज को, ताकि लाइन्स वगैरह जल्दी ना भरें और थोड़ा सा ब्लरिंग इफेक्ट हो जाता है। तो उसको जब आप बाकी फेस मेकअप कर लेते हैं तो उसके बाद आप हटाते हैं। तो मैं एक नई पैलेट यूज़ करूँगी, ये मैं आज ही लाई हूँ, ये हुदा ब्यूटी की कोरल ऑब्सेशंस पैलेट है। इसको मैंने देखा था और मेरा इतना दिल था कि मैं कोई पीछे से पिंकिश से लुक करूँ। सो ये पैलेट है, ऐसी है अंदर से, इसमें मिरर भी आता है बड़ा सा। सबसे पहले मैं ये वाला कलर लूँगी, इसको अपने ब्रश पर लगा लूँगी, फ्लफी सा बड़ा सा ब्रश है, इसको पूरी लिड पर लगा लूँगी। आई थिंक आई लुक के लिए मुझे थोड़ा पास आ जाना चाहिए। आईज हमारी प्रेप हो गई है। अब नेक्स्ट कलर जो मैं अपनी क्रीज में लगाऊंगी इधर, वो ये वाला कलर है। अब मैं थोड़ा सा छोटा वाला ब्रश लूँगी और ये वाला कलर लूँगी, मैं सिर्फ आधी आँख पे लगाऊँगी ये। वापस वही ब्रश लूँगी जो मैं यूज़ करी थी, इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, और इसको ब्लेंड करूँगी। अब मैं ये जो लाइट पीच वाला कलर है इसको लूँगी और जो बाकी हाफ रह गया था उस पर लगाऊँगी। वापस ये वाला ब्रश लूँगी और ब्लेंड करूँगी।
सो मैंने एक नया ब्रश लिया है। इस ब्रश के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक्सपेंसिव ब्रश है, बट ये स्मैश बॉक्स का कैमरा रेडी शेयर पाउडर ब्रश है। इसकी शेप बहुत अजीब सी है, काफ़ी अनइवन सी शेप है इस ब्रश की, बट गाइस ये ऑल इन वन ब्रश है। इससे आप अपना पाउडर भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करूँगी। इसके साथ ब्रॉन्ज भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे बड़े मज़े से ब्रॉन्ज होगा क्योंकि इसकी ये टिप्स ही बनती है, तो ये ऐसे ऐसे ब्रॉन्ज कर सकते हो, ब्लश कर सकते हो, पाउडर रिमूव कर सकते हो, पूरा फेस, क्योंकि ऐसे ये देखिए फैल जाता है ये ब्रश, तो आप इससे जो हो पूरा फेस सेट भी कर सकते हो पाउडर के साथ। मैं अपना फेस इसी पाउडर के साथ सेट करूँगी। मिलानी का बेक्ड ब्रॉन्जर लूँगी, सोए है ये। ये मैक का ब्लश है, ये ब्लश है मॉडर्न मैंडरिन ऑरेंजिश। ब्रश इज एवरीथिंग, अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो करो। ये $50 का ब्रश है, सो पाकिस्तानी 4900 तक का ये होगा, बट दिस इज़ एवरीथिंग। चार काम ये ब्रश करता है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, सारी ज़िंदगी चलेगा। क्योंकि हमारी आईज़ में इतना ज़्यादा कलर है, मैं जो हूँ कुछ न्यूट्रल सी लिपस्टिक लगाऊंगी, तो मैं वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक लगाऊंगी इन रिबेल, दिस इज़ इन रिबेल रोज। अब हम हाइलाइटर लगाएंगे, ये फिजिशियंस फॉर्मूला का बटर हाइलाइटर है, दिस वन इज़ इन शैम्पेन, सो इसको मैं फिंगर से ही लगाऊंगी, बहुत बहुत इंटेंस है। देखा, अभी मैंने टच भी नहीं किया। ब्लेंड करने के लिए मैं अपना ब्रश यूज़ करूँगी, ये वाला जो शेड है वो लूँगी, पीची सा कोरल सा शेड है। जो ब्राउन शेड है उसको सिर्फ इसको सिर्फ आउटर वाले कॉर्नर पे लगाऊंगी। ओके, इससे ज़्यादा अच्छे बाल मैं नहीं बना सकती क्योंकि हेयर स्टाइल्स वगैरह बनाने मुझे बिल्कुल नहीं आते, सो मैंने बस बाल पीछे कर दिए हैं। यू एंजॉय दिस लुक, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सर्कल पर क्लिक करके सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले एवरी टाइम आई पोस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।